हेलो एवरीवन, हम लोगों को सबको पता है कि COVID-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में हर जगह फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है और बैंक्स को प्रॉपरली अगर बात की जाए तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए RBI ने जो RBI गवर्नर की मार्च में जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की थी या फिर जो उन्होंने रिलीज जारी किया था, तो उसमें उन्होंने रिपो रेट को टच किया था लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, बैंक्स में थोड़ा सा फंड डालने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। क्योंकि सिस्टम में अगर लिक्विडिटी होगी, बैंक्स के पास सरप्लस कैश होगा, तभी वो इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेसेस को, कंपनीज़ को रन करने के लिए लोन दे पाएंगे और उसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल आउटपुट सारा कुछ उसी से रिलेटेड है। तो सिस्टम में सरप्लस फंड डालने के लिए जो आज की अगर हम बात करें, आज 17 अप्रैल को RBI गवर्नर ने अगेन एक प्रेस नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ किया है, उसमें उनकी जो स्पीच थी उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उन सब की मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो रिपो रेट अनचेंज है। आज की जो गवर्नर की जो स्पीच थी उसमें रिपो रेट को अनचेंज रखा है। पिछली वाली जो उनकी मार्च में थी उसमें रिपो रेट को 75 बेसिस पॉइंट्स आप लोग समझते होंगे, 75 बेसिस पॉइंट्स का मतलब है 0.75% से घटाया था, बट इस बार उन्होंने रिपो रेट को अनचेंज रखा है, 4.4% ही है। रिपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पे RBI पैसा देती है बैंक्स को, और रिवर्स रिपो रेट वो रेट होती है जिस पे बैंक्स जिस रेट पे RBI को पैसा रखते हैं, RBI को पैसा देते हैं। लेकिन आज की जो गवर्नर की जो स्पीच थी उसमें जो रिवर्स रिपो रेट है वो चेंज हुई है, 75 बेसिस पॉइंट से घटा के 3.75% कर दी गई है। तो पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे मैं अगर कहीं पे पैसा रख रहा हूँ और मुझे इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा उस पैसा रखने का, तो ऑब्वियसली मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगा। तो बैंक्स जिस रेट पे RBI पे पैसा रखते हैं उसको रिवर्स रिपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रिपो रेट वो रेट होती है जिस पे बैंक्स RBI पे पैसा रखते हैं। अब वो रेट घटा दी गई है तो यानी कि बैंक्स आर डिसइंसेंसिटिवाइज, मतलब उनको एक तरीके से इंसेंटिव कम है कि वो पैसा जो है वो RBI में रखें, उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि वो पैसा अपने पास ही रखें। तो पर्पज़ यही है इस RBI के इस नोटिफिकेशन का, RBI के इस डिसीजन का। वैसे ये डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये जो डिसीजन है रिवर्स रेट घटाने का, उसका पर्पज़ ये है कि बैंक्स पैसा अपने पास रखें जिससे सिस्टम में लिक्विडिटी बनी रहे। वो प्रेफर ना करें कि वो पैसा RBI जाए, वो पैसा उनके पास रहे जिससे सिस्टम में सरप्लस कैश बना रहे। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए इस बार जो RBI ने टेस्ट किया वो रिवर्स रिपो रेट और घटा दिया है, 3.75% का दिया। ये है पहला बिग डिसीजन। दूसरा बिग डिसीजन अगर हम लोग देखें तो लिक्विडिटी सपोर्ट, RBI ने 50,000 करोड़ की मनी इन्फ्यूज की है सिस्टम में, डाली है। किसमें डाली है? तो CDBI में डाली है, जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो रूरल सेक्टर में काम करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया CDBI, नाबार्ड है, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB। तो CDBI, नाबार्ड और NHB में 50,000 करोड़ रुपए RBI ने इन्फ्यूज किए हैं टू लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, जैसे मोरेटोरियम के बारे में सबको पता होगा कि सारे बैंक्स जो हैं इंडिया में वो 3 महीने का मोरेटोरियम जो है, जो भी उनके जो एग्जिस्टिंग लोन्स है उसके लिए दे रहे हैं। तो अब तक क्या था कि अगर इस टाइप से 3 महीने तक कोई अगर ना पे करे तो वो NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बैंक्स उसको क्लासीफाई कर लेती थी, बट अभी जो 3 महीने का मोरेटोरियम है वो NPA में काउंट नहीं होगा। तो 3 महीने का जो मोरेटोरियम है वो जो बैंक्स दे रही हैं उसको फिर वो NPA में काउंट नहीं करेंगे। ये एक बड़ा डिसीजन है। दूसरा, बैंक्स अभी कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक डिविडेंड पे आउट नहीं कर सकते, मतलब जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट के बाद जो वो अपना डिविडेंड देते थे, अभी कोई भी फर्दर डिविडेंड वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। बैंक्स अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो ऑब्वियसली उनके कुछ लिक्विडिटी उनका लॉस होगा, तो बैंक्स अभी डिविडेंड पे आउट नहीं कर सकते। इस पर RBI ने बैन लगा दिया है। जो 3 महीने का मोरेटोरियम वो NPA में काउंट नहीं होगा, और 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी सपोर्ट दी है RBI ने रिवर्स रिपो रेट चेंज करने के बाद। रिवर्स रिपो रेट सबसे बड़ी चीज़ थी। अगली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए GS के लिए, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है कि जैसे बैंक्स के पास
जो फंड होता है वो जरूरी नहीं कि लिक्विड हो, लिक्विड फॉर्म में मतलब कैश फॉर्म में या फिर कैश इजिली कैश टू कन्वर्टेबल फॉर्म में, वो कई जगह वो इन्वेस्ट करके रखते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स करके रखते हैं, ट्रेजरी बिल्स टी-बिल्स खरीद के रखते हैं, कई जगह रियल इस्टेट खरीद के रखते हैं, कुछ जगह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखते हैं, बहुत जगह उनका इन्वेस्टमेंट होता है। बट जो लिक्विड फॉर्म में है वो, तो उसमें आरबीआई के नॉर्म्स होते हैं कि एटलीस्ट 30 कैलेंडर डेज का, मतलब एक महीने का जो भी उनको रिक्वायरमेंट है कैश की, वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। जो भी उनके फंड की रिक्वायरमेंट है वो कैश फॉर्म में या कैश के इजिली कन्वर्टेबल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये आरबीआई ने रिक्वायरमेंट कम कर दी है भाई। अगर अभी आरबीआई को सारा बैंक्स अगर वो 30 डेज का बचा के रखेंगे तो उनके पास देने के लिए नहीं बचेगा। तो उन्होंने आरबीआई ने ये किया क्या, 100% से 80% कर दिया। वैसे तुम्हारा ये जो एलसीआर है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, ये 100% होना चाहिए, मतलब एक महीने की पूरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तब वो 80% कर दी है। मतलब एक महीने का अगर हम 80% निकाल लें तो 30 डेज अगर 100% है तो 30 / 100 × 80 अगर हम लोग करेंगे तो 30 × 8 = 240 / 10 24 डेज। मतलब इस समय बैंक्स को 30 दिन के बजाय 24 दिन का फंड रखना पड़ेगा। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो वैसे 30 दिन के लिए होता है, उनको 24 दिन का फंड रखना पड़ेगा, मतलब 6 दिन का वो फंड यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था, और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एक महीने की 30 कैलेंडर डेज का जो उनको फंड होता है वो कैश फॉर्म में रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं। तो ये एक डिफिनेशन पता होनी चाहिए। अगली चीज है IMF के प्रोजेक्शन के बारे में। RBI गवर्नर ने अपनी स्पीच में काफी कुछ बोला है। सबसे पॉजिटिव चीज़ जो उसमें बोली है कि वो कि इंडियन इकोनॉमी में एक टर्न अराउंड आएगा, इस साल तो नहीं आ पाएगा 2021 में, बट अगले फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आना है। और आना ये कि जो GDP ग्रोथ रेट होगी इंडिया की प्रोजेक्टेड 1.9%, वो G20 इकोनॉमी में सबसे अच्छी होगी। जो बड़ी इकोनॉमीज हैं G20, सबसे बड़ी इकोनॉमीज का जो ग्रुप है G20, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, उसमें जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट होगी, कहीं तो नेगेटिव में चले जाएंगे, इंडिया में एटलीस्ट ग्रोथ रेट तो होगी 1.9%, G20 इकोनॉमीज में सबसे बड़ी होगी। मतलब इंडिया में पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो सबसे अच्छे तरीके से हम चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। अच्छा, फिर गवर्नर ने कुछ और भी चीज़ें बताई थी कि कौन कौन से सेक्टर अफेक्ट हो रहे, तो बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, बट स्टिल कुछ हम लोग अभी भी पॉजिटिवली कर पा रहे हैं। हम लोगों का ई बैंकिंग सिस्टम अच्छे से चल रहा है और हम लोगों की सॉफ्टवेयर सर्विसेज चल रही हैं। जितनी भी हम लोग जो टर्न अराउंड देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं RBI और गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। मेन पॉइंट्स हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए। रिवर्स रिपो रेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR के बारे में डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि बैंक्स में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए RBI ने क्या क्या मेजर्स उठाए। थैंक यू।